अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम पालक चिकन चीज़ कबाब बनाएंगे। ये बहुत ही मज़े के और जूसी कबाब बनते हैं। के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन ले लिए, एक कप हम पालक लेंगे, एक मुट्ठी में जितनी भी आती है आप ले लें, 2 चम्मच भर के धनिया के लेंगे और 2 ही सब्ज़ मिर्चें लेके इसको काट लेंगे, 1 प्याज लिए मैंने, इसे कद्दूकश करके पानी निकाल लिए, लहसुन 1 खाने का चम्मच, सुरख लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच लेंगे और चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच और 1/2 चाय की चम्मच हमने बेकिंग सोडा लेना है और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और हमें चीज़ चाहिए होगी। चिकन और पालक को मैंने मिक्सचर में पीस लिए, फिर इसमें हमने जो मसाले हैं वो डालेंगे। ये कबाब बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसमें पालक और चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, तो जो जिन बच्चों को पालक पसंद नहीं वो आप उनको इस तरह कबाब बना के दें, इंशाल्लाह वो ज़रूर खाएँगे। नहीं, इसमें नमक का यूज़ नहीं किया क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक है और चीज़ जो इसमें डालेंगे उसमें भी नमक होगा। लीमों का रस 1 खाने का चम्मच डालेंगे इसमें। बाकी हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 1 घंटे के लिए हमने इसको फ्रिज में रख देना है। फिर एक घंटे के बाद अब हम इसके कबाब बनाएंगे। सबसे पहले हमने चीज़ की स्लाइस कर लेने, इस तरह हम इनको काटेंगे। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। पहले हमने तेल लगाना है हाथ पे, फिर हम थोड़ा सा मिक्सचर लेके हमने जितने जितने कबाब बनाने हैं उतना हमने इसका बैटर लेने हैं और फिर एक एक चीज़ का स्लाइस इसमें डाल के ऊपर से इसको फोल्ड करते जाना है। बिल्कुल हमने कबाब की शेप देनी है इसको। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आपको आप एक दफ़ा बना के इनको रख लें और जब भी कोई इवेंट हो उस पर बना के दें बच्चों को, तो इंशाल्लाह देखिएगा उनको बहुत पसंद आते हैं, छोटे बड़े सब बहुत शौक़ से खाएंगे। इस तरह करके हमने बाकी सारे भी तैयार कर लेने हैं और इनको भी 1/2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। हमने गर्म पैन में ऑयल थोड़ा सा डालना है और फिर हमने कबाब उसमें सारे डाल देने हैं जितने आपने फ्राई करने हैं। थोड़ी देर बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और फिर हमने इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देना है ताकि अंदर से अच्छी तरह गल जाए। ये देखिए इसके अंदर जो चीज़ थी वो मेल्ट होना शुरू हो गई है और फिर हम इसका साइड चेंज करेंगे। दूसरी तरफ से भी हमने इसको गोल्डन करना है। ये जितने देखने में मज़े के लग रहे हैं ये खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी हैं। जब आप खुद ट्राई करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखें, इस तरह हम इनको डिश आउट करेंगे। इन कबाब को किसी भी सॉस के बगैर ही खाया जा सकता है क्योंकि ये बहुत जूसी और बहुत टेस्टी है। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।